नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। बाराबंकी के जिला अधिकारी डॉक्टर आदर सिंह ने जनपद वासियों से लॉकडाउन और रमजान को लेकर जनता से अपील की। नमस्कार, आज दिनांक 25 अप्रैल को मैं जिलाधिकारी बाराबंकी पुनः जनपद बाराबंकी के सभी नागरिकों को अवगत कराना चाहता हूँ कि अब तक हमारे जनपद में इस समय आज की तिथि में एक भी कोरोना वायरस का एक्टिव केस नहीं है, किंतु हमें अभी भी जितनी लॉकडाउन की अवधि बची हुई है उसका पूरा सदुपयोग करते हुए पूरे अनुशासन से, पूरी ऊर्जा से और पूरे धैर्य और संयम से इस लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित करना है। अपने घर पर ही रहना है और ये प्रयास करना है कि हम लोग अगर अनिवार्य आवश्यकताओं को छोड़ के किसी भी स्थिति में घर से बाहर ना निकलें, अगर निकलते भी हैं तो तत्काल अपना कार्य समाप्त करके वापस अपने घर में हम लोग जाएं, जिससे हम लोग वायरस के संक्रमण की चेन को रोक सकें। जैसा आपका अवगत है कि आसपास के जनपदों में, विशेषकर लखनऊ में, ये इस वायरस ने कई लोगों को ग्रसित किया है। हमारा जनपद लखनऊ से बिल्कुल नज़दीकी जनपद है, सबसे नज़दीकी जनपद है और कई जो लखनऊ के क्षेत्र हैं वो हमारे जनपद से बिल्कुल लगे हुए हैं। तो हम लोग को और विशेष सतर्कता और विशेष निगरानी और अनुशासन बरतने की आवश्यकता है। मैं देख रहा था कि कुछ आज सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर और कुछ अन्य लोगों द्वारा ऐसी कुछ बातें कही जा रही है कि शायद कुछ दुकानों इत्यादि को खोला जाएगा। मैं अभी स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस संबंध में कोई भी निर्देश हमें अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः अभी भी जो स्थिति थी कल तक की पूरे लॉकडाउन की, वही स्थिति अभी भी कायम है। उसमें कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं है। किसी भी नए प्रकार की दुकान इत्यादि को खोलने की कोई अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। रमज़ान का पर्व भी आरंभ हो गया और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जैसे मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि सभी लोग घर पे ही रह के इस पर्व को मनाएं और किसी भी स्थिति में बाहर ना आए। ये बहुत आवश्यक है कि 3 मई तक जितने दिन बचे हुए हैं उसका हम पूरा सदुपयोग करें और कोशिश करें कि इस अवधि में ही हम इस वायरस को पूरी तरीके से परास्त कर सकें। धन्यवाद। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर समाचार पत्रों को घर घर पहुंचाने वाले समाचार पत्र वितरकों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि बाराबंकी के विकास खंड हैदरगढ़ के पीडब्ल्यू डॉग बंगले में क्षेत्रीय विधायक बैजनाथ रावत, उप जिला अधिकारी हैदरगढ़ योगेंद्र कुमार व तहसीलदार राहुल कुमार सिंह ने कर्मवीर योद्धाओं को मास्क और राशन किट बांटकर सम्मानित किया। इस मौके पर उप जिला अधिकारी हैदरगढ़ योगेंद्र कुमार ने कहा कि सच्चे कर्मवीर समाचार पत्र वितरक ही होते हैं, जो अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी ड्यूटी के लिए सहज रहते हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी इसमें पूरे विश्व में फैली हुई है, उससे हर व्यक्ति प्रभावित है। लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ मीडिया कर्मी, अखबार वाले और ऐसे हमारे कार्यकर्ता जो अखबारों को घर घर तक पहुंचाते हैं, जिन्हें हम लोग हाकर के नाम से जानते हैं, आज मेरे द्वारा उनको कुछ राशन देकर के और अंग वस्त्र देकर हमने उन्हें सम्मानित किया है, जिससे उनका हौसला और बढ़े और ये जो सरकार की नीतियाँ हैं, अखबार हैं, ये जन जन तक पहुँचावें, क्योंकि गांव में असली रूप से ठीक काम करने वाले हमारे हाकर ही हैं जो अखबारों को गांव तक और घर तक पहुँचाते हैं। इसलिए हम उनका आदर सम्मान करते हैं। सभी मीडिया कर्मियों को भी हम धन्यवाद देते हैं जो ये समय इस महामारी में वो गांव-गांव जाकर के सूचना एकत्रित करते हैं और सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, इसलिए हमने उन्हें आज सम्मानित किया है। बाराबंकी में लॉकडाउन को देखते हुए समाज सेवियों ने जरूरतमंदों को राशन किट वितरित किया। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ की ग्राम पंचायत ओहरा मऊ के ग्राम पूरे कुवारन पुरवा में गरीबों व जरूरतमंदों को भाजपा के सुबेहा मंडल महामंत्री रंजीत सिंह व दीपेंद्र सिंह ने राशन किट वितरित किया। इस मौके पर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, विजय सिंह, राजेश यादव, रामकरण गौतम, राम सागर, सत्य नारायण गौतम, राम केदार प्रजापति, राम कुमार सिंह आदि लोग मौजूद रहे। हम क्षेत्र के जो हमारे संभ्रांत बड़े लोग हैं, सुबह मंडल में तमाम लोग हैं, मैं अपने छोटे से गांव में सागी सामग्री, चावल, आटा, चीनी, चाय की पत्ती, सरसों का तेल,
हल्दी, मिर्चा, धनिया, साबुन, नमक अपने गांव में सबको दिया है बुगा करके, और सभी क्षेत्रवासियों से, बड़े लोगों से जो सक्षम लोग हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वह लोग भी अगर अपने अपने गांव में इस तरह की व्यवस्था करें तो सरकार का भी सहयोग होगा और छोटे गरीब तबके के लोगों का भला हो जाएगा। बस इसी के लिए हमने जो है ये कार्यक्रम किया, सबको जो है सामान वितरित किया, बस यही बात है। ये थी बाराबंकी से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ऐसी खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।